सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो आपको एम इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ आप 2 मिनट के लिए देख लो। एंड अगर आपको लगता है कि ये बंदा अच्छे टिप्स देता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया इस वीडियो को बना करके, तो आप चाहे तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, बट आप 2 मिनट के लिए देख लो प्लीज़ इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि बंदा सही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आपने बड़े प्रो प्लेयर्स को देखा होगा कि जब भी वो व्हीकल से फाइट करते हैं अपने एनिमी से, तो हमेशा वो सीट चेंज करके अपने एनिमी को डाउन कर देते हैं। बट उन लोगों ने अपने एम को इतना ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर लिया कि व्हीकल से सीट चेंज करने के बाद भी अपने एनिमी को ट्रैक कर पाते हैं। तो गाइज, हमारी टिप नंबर वन या फिर ड्रिल नंबर वन कह लो यही है, अगर आप इस ड्रिल को प्रैक्टिस करते हो तो आप भी अपने एम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइज, हमारी ड्रिल नंबर वन ये है कि आपको यहाँ पर आना जहाँ पर मैं हूँ। एंड गाइज, इसके लिए आपको एक गैस कैन चाहिए होगा, तो एक गैस कैन ले लेना आप लोग। एंड आपको इस तरीके से रोड पर ड्रॉप करना है उसे। देन आपको करना ये है कि आपको हमेशा इस चीज़ को बगी से प्रैक्टिस करना है। मैं अदर व्हीकल्स रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप बगी से इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बाद में आप अगर इसको मास्टर कर लो तो आप दूसरे व्हीकल से कर सकते हो। आपको करना ये है कि आपको बस सीट चेंज करना है, अपने एम को गैस कैन के ऊपर लेकर के जाना है, देन उसे ब्लास्ट कर देना है। तो अभी तो मैंने स्लो में किया, तब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। आपको सीट चेंज करना है पहले, तो गाइज आप याद रखना कि आपको 2-3 गैस कैन उठाना है, ठीक है? नहीं तो ऐसा होगा कि आपको एक गैस कैन फोड़ोगे तो फिर बाद में दूसरा उठाना पड़ेगा वहाँ पर जा करके। तो आपको करना ये है कि आपको वहाँ पर जाना है, सीट चेंज करना है, एंड देन इसके ऊपर अपना एम को ले जाना है जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकते हो। नहीं तो आपका एनिमी जो है आपके आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा, फिर आप एम नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। ओके, सो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आप दो ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हो। पहला ड्रिल तो ये कि 180 डिग्री आपको हमेशा स्क्रीन घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने सीट को चेंज करोगे आपका एम हमेशा आगे की ओर चला जाएगा, तो आपको हमेशा 180 डिग्री पीछे मुड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद अपने एम को अपने एनिमी के ऊपर ले जाना है। ओके, इस तरीके से। तो इसमें आप दो ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हो गाइस। पहला तो 180 डिग्री स्विच, जैसे आपका एम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, काफ़ी इफेक्टिव ड्रिल है वो। एंड दूसरा है ये कार स्विच करने वाला। एंड अगर आप ये जल्दी जल्दी करते हो तो गाइज आपने क्रॉस हेयर को आप बिल्कुल मास्टर कर लोगे। तो ये थी हमारी टिप नंबर वन। आई होप आप लोगों को ये ट्रिप अच्छी और थोड़ी सी यूनिक लगी होगी। एंड ये गाइज मेरे अकॉर्डिंग अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आप मानते हो तो, नहीं मानते हो तो क्या कर सकते हैं, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये अभी तक की बेस्ट ट्रिक है। एंड इस ट्रिक को मैंने बनाया नहीं है, बट हाँ इसी को किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो एम इम्प्रूव करने के लिए। सो हमारी टिप नंबर टू। सो गाइज, हमारी टिप नंबर टू जो है वो सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता होगा जब आपका एनिमी बहुत ज़्यादा जिगल करता है आपके सामने तो आप उसे इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हो, एंड जिसके कारण क्या होता है कि आपका एम बिगड़ता है एंड वो आपको इजीली मार के चला जाता है। तो गाइज, सेंसिटिविटी में आपको बोलूँगा कभी भी 100+ सेंसिटिविटी नहीं रखना चाहिए आपको, जिससे क्या होता है कि क्लोज इन फाइट आप जब भी लेते हो तो आपकी फिंगर अगर हल्का सा भी इधर होता है तो आपका एम पूरा तरह से बिगड़ जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 100+ सेंसिटिविटी कभी मत रखो। एंड गाइज, ADS की सेंसिटिविटी एंड जो कैमरा सेंसिटिविटी है उसको हमेशा इक्वल रखा करो, ताकि आपको सेंसिटिविटी की आदत हो जाए उस सेंसिटिविटी की। आपकी जो भी सेंसिटिविटी, आपको सेंसिटिविटी चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये बोलूँगा कि अपनी सेंसिटिविटी को सेम रखो, जैसे आपको एक ही सेंसिटिविटी पे खेलने की आदत हो जाए। एंड अगर आप एक सेंसिटिविटी पे खेलने की आदत हो जाती है ना तो गाइज आपका एम ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लग जाता है धीरे धीरे, आपको किसी ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी हमारी टिप नंबर टू। ओके, सो गाइज, जो हमारी टिप नंबर थ्री है वो है पीक करने के रिगार्डिंग। तो गाइज आपको पता होगा कि मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे ये मिस्टेक नहीं करते हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी उनको पीक करना रहता है, सपोज करो सामने वाला जो एनिमी है वो टारगेट है, ओके, तो बंदे क्या करते हैं इस तरीके से पीक करते हैं। बट गाइज, जब भी आपको ये साइन दिखे क्रॉस वाला साइन, आपको पीक नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी आपको ये साइन दिखता है आपका पीक प्रॉपर नहीं होता। आप देख सकते हो आप इस तरीके से पीक करते हो, आपका बॉडी तो एक्सपोज होगा बट आपका स्कोप नहीं खुलेगा। तो गाइज ये मिस्टेक नहीं करो, बहुत लोग मुझे पता है नहीं करते हैं, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो करते हैं इस मिस्टेक को। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब भी आप पीक कर रहे हो तो हमेशा कवर के हल्का सा पीछे आके पीक किया करो, जिससे आप ये वाला मिस्टेक ना करो। एंड पहले ट्राई करो कि हमेशा पहले आप क्रॉस हेयर को अपने एनिमी के ऊपर लेकर के जाओ, देन उसके बाद अपना स्कोपिन ओपन करो या फिर पीक करो, जब भी आपको जो भी आपको करना है। ओके, तो आई होप ये वाली ट्रिक भी यूज़फुल होगी आप लोग को। सो गाइज, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जो आपके एम को अफेक्ट करती हैं काफ़ी ज़्यादा।
हाँ आप चाहो तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहीं तक थी, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, बट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब कुछ ये फैक्ट्स हैं जो आपके एम को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो है गैस कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है जिसमें फ्रेम ड्रॉप ना होता हो, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस में फ्रेम ड्रॉप होता है तो गैस आप एम कहीं और करते हो एंड फ्रेम ड्रॉप हुआ एंड बंदा आप मतलब आपका जो एनिमी है वो कहीं और रहेगा। तो गैस सीनैरियो ऐसा बन जाता है कि आपका एम कहीं और है और एनिमी आपका कहीं और है। तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है जिसमें फ्रेम ड्रॉप ना होता हो एंड गैस हायर FPS। गाइज आप ट्राई करो कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस हो जिसमें ज़्यादा FPS आता हो, या फिर आप GFX टूल वगैरह लगा करके आप खेलो, क्योंकि ज़्यादा FPS आपको अगर मिलता है तो आपका एम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। गाइज अगर एक बंदे को मीडियम FPS मिल रहा है एंड एक बंदे को एक्सट्रीम FPS मिल रहा है, तो अगर एक्सट्रीम FPS के सामने में जो बंदा आएगा मतलब जो उसका एनिमी होगा अगर वो जिगल भी करता है तो काफ़ी हद तक 60 FPS वाला बंदा उसे ट्रैक कर पाएगा, बट जिस बंदे को मीडियम FPS मिल रहा है फिर हाई FPS मिल रहा है उसके लिए अपने एनिमी को ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइज ट्राई करो आप GFX 2 लगा करके 60 FPS पे खेलो, या फिर एक अच्छा डिवाइस या फिर कोई बजट फ़ोन ले लो जिसमें फ्रेम ड्रॉप ना होता हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके एम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड गाइज आप कमेंट कर सकते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो बस गाइज आपका टाइम वेस्ट और नहीं करूँगा, आप जाओ प्रैक्टिस करो अपने एम को इम्प्रूव करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तल के बाय बाय, टेक केयर एंड कोरोना से सेफ रहो भाई।